Welcome friends, in this video, I am going to teach you to class 6 history chapter 1, what, where, how and when. पढ़ने से पहले यह बात बता देना चाहता हूँ कि it doesn't matter you are class 6 students or preparing for any competitive exams, but this video will help everybody. So let's start this chapter. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. तो हम पास्ट से क्या क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं हिस्ट्री से. तो उसके बारे में बहुत सी चीज़ें मैं इस तरह बताऊंगा कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा. सिर्फ इस तरीके से बताऊंगा और नोट्स इतने ऐसे निमोनिक्स के साथ जुड़े हुए नोट्स होंगे जिससे आप ये सब डायग्राम देखते ही याद कर लेंगे. जैसे हम पास्ट के बारे में, जैसे फूड, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जान सकते हैं कि वो क्या खाते थे, व्हाट पीपल एट. जैसे इस डायग्राम से देखिए पता चल रहा है कि ये क्या खाते होंगे ऐसे. तो ये जब आप देखोगे तो उससे आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा और जब भी आप याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजेस को बहुत आसानी से दिमाग में बिठा लेता है बजाय कि वर्ड्स के. तो आगे देखिए हम और क्या जान सकते हैं, क्लॉथ्स के बारे में, उनके काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस प्रकार के कपड़े वो पहनते थे. और हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घर में वो रहते थे. तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी, बिल्कुल फनी सा, यूँ कि किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, इस तरह के घर में रहते होंगे. तो हम जान सकते हैं उनके बारे में कि फूड हैबिट्स के बारे में वो क्या क्या खाते थे, क्या वो सब्जियां खाते थे, फल खाते थे, मछली खाते थे. आज हम बहुत अपनी सभ्यता के बारे में जान पाए हैं, अलग अलग लोगों के बारे में जान पाए हैं, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में. तो वो पास्ट के बारे में उनके पता कर पाए हैं बिकॉज ऑफ हिस्ट्री. और उनके क्लोथ के बारे में कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस मटेरियल से बने कपड़े पहनते थे, हाँ, और किस प्रकार के हाउस में रहते थे, कि कच्चे मिट्टी के हाउस में या ब्रिक्स के बने हाउस में. तो फिर इस तरह हम जान पाए हैं उन सब के बारे में. इसके अलावा प्रोफेशन, कि वो फार्मर्स थे, आर्टिस्ट थे, रूलर्स थे, म्यूजिशंस थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, हर्डर्स थे, मर्चेंट्स थे, हंटर्स थे या साइंटिस्ट थे. ये मतलब हिंदी में बोलूँ तो किसान थे या कलाकार थे, राजा थे, म्यूजिशियन जो संगीतकार थे, प्रीस्ट पुजारी थे या वो, और शिल्पकार थे, क्राफ्ट पर्सन, हार्डर्स, जो हार्डर्स वे लोग होते हैं वो जो पशुपालक जो होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जगह ना रुककर अपने पशु को चारवाह के रूप में, चारवाहे जिस तरह होते हैं. मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी थे, हंटर्स शिकारी, साइंटिस्ट वैज्ञानिक. तो इन सारे वर्ड को याद करने की भी बहुत बढ़िया ट्रिक है. क्या फर्म शब्द याद कर लोगे, तो फर्म शब्द में देखिए एफ से फार्मर, ए से आर्टिस्ट, आर से रूलर्स, एम से म्यूजिशंस हो गए. इसी तरह पीसी मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो पी से आपको होगा प्रीस्ट, सी से क्राफ्ट पर्सन्स, हाई माइंडेड, इसमें हाई माइंडेड में सिर्फ आपको एच याद करने की ज़रूरत है, और एम, एच से हो गया हर्डर्स, एम से मर्चेंट्स, फिर दोबारा हाई स्कोर, हाई स्कोर से एच से हंटर्स और एस से साइंटिस्ट. तो ये बहुत आसानी से ये चार शब्द आप याद कर सकते हैं और उसके आधार पर सारे के सारे वर्ड लिख सकते हैं. आपको पूरा का पूरा बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इन निमोनिक्स के सारे इस तरह की, आई थिंक किसी ने हिस्ट्री निमोनिक्स के सारे पूरे नेट पर, मेरे को नहीं लगता किसी ने डाली होगी. तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए. अब देखिए सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, उनके किस प्रकार के एंटरटेनमेंट, किस प्रकार अपना मनोरंजन करते थे. द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, जिस प्रकार के गेम वो खेलते थे, खेल जिस प्रकार के बच्चे खेलते थे, हम हिस्ट्री से वो सब जान पाए हैं. द प्लेस दे सो, किस प्रकार के जो नाटक थे वो देखते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, किस प्रकार की कहानियाँ वह सुनते थे. द सॉन्ग्स दे सेंग, और किस प्रकार के गाने वो गाते थे. तो इसकी भी बहुत आसान ट्रिक है, जैसे GPS जो आजकल हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, बस GPS के आगे एक और ब्रैकेट लगा दो तो इस पूरे शब्द को, उन चारों को हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं. जैसे G से गेम्स हो गया, गेम्स चिल्ड्रन प्लेड,
और पी से प्लेस देसो, जो प्लेस देखते थे, एस से स्टोरेज दे पे हर्ड, फिर एक और ऐसे सॉन्ग्स दे सेंग। तो देखिए कितनी आसानी से ये पूरा का पूरा आपसे कोई भी पूछे तो आप कितनी आसानी से बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम्स और ये जो ट्रिक्स हैं। देखिए बहुत आसान है किस प्रकार, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने इतिहास के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो आप सिर्फ ये डायग्राम देखने की जरूरत है, कुछ ना भी देखे हो तो सिर्फ इन डायग्राम याद आ जाएंगे, तब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। देखिए खाने के बारे में, कपड़े के पहनने में, कपड़े के बारे में, उनके घर के बारे में, फिर स्ट्रिक के सारे कि उनका प्रोफेशन क्या था, वो फार्मर थे, आर्टिस्ट थे, या अलग अलग ऐसे ही क्या क्या काम करते थे, हाँ वो किस प्रकार अपना इंटरटेनमेंट करते थे, स्ट्रिक के सारे जान सकते हैं। चलिए वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सब हेडिंग, वेयर डिड पीपल लीव, लोग जो आरंभिक जो लोग थे वो रहते कहाँ पर थे। तो अब वो अलग अलग जगह जहाँ पर वो रहा करते थे, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जो नदी है नर्मदा, उधर आरंभिक जो लोग थे वो रहने वाले थे वो स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदर वो लोग होते हैं, पीपल वो गैदर्ड देयर फूड, जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके पेड़ों से, तो वो स्किल गैदरर होते हैं। तो जो नर्मदा, अब ये देखिए मैंने एक रिवर का एक निमोनिक से सारे बनाने की डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है इसे। इस नदी को देखिए, उधर आपको पता चला याद रखने में आसानी के लिए, नर्मदा रिवर हो गया, यहाँ रहने वाले हंटर गैदरर्स थे। अब वो जानते क्या क्या थे, न्यू व्हाट दे न्यू अबाउट सराउंडिंग फॉरेस्ट के बारे में देखिए, वो जानते वाच वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, तो उनके जो आसपास जो जंगल थे उसकी धन संपदा, जिसमें उस प्लांट से क्या क्या मिल सकता है, उन उसमें से क्या खाने लायक है, हर प्लांट खाने लायक नहीं होता, इसलिए उन सबको इन सब की जानकारी थी, कौन सा प्लांट खाने लायक है, कौन सा प्लांट उनकी मेडिसिन के लिए है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें इन सब की जानकारी थी। एंड कलेक्टेड रूट्स, वो रूट कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए, फ्रूट कलेक्ट करते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड के लिए, तो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल। अब इसके अलावा वो जो जानवर हैं उनका शिकार किया करते थे। तो ये देखिए बड़ा आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से ये याद किया जा सकता है, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर में रहने वाले क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे, या हंटर गैदरर्स बोल सकते हो, जो स्किल्ड गैदरर वो होते हैं जो अपना खाना इकट्ठा करके खाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ इसी तरह वो एनिमल्स का शिकार करते थे। दूसरा फिर जो आरंभिक जो उस समय रहने वाले लोग थे, सुलेमान किरतार हिल्स पर, जो सुलेमान किरतार की पहाड़ियाँ थी, तो वो लोग किस प्रकार के लोग थे, जैसे फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एस वीट एंड बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो, तो उन्होंने सबसे पहले फसलें उगाना शुरू करा किसकी, गेहूँ की और जौ की, बार्ली एंड वीट 8000 साल पहले अब से। तो मैंने एक डायग्राम बनाया इसका, उसमें सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में देखा, जिसमें वो क्रॉप्स उगाते थे, एनिमल्स पालते थे, तो इस सब के बारे में बड़ा आसानी से जाना जा सकता है। सिर्फ हिस्ट्री को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप हिस्ट्री बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप इन इमेजेस को याद करिए, उसके बाद बहुत आसानी से आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। जैसे रियरिंग मतलब पालना, बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप गोट एंड कैटल, तो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू करा, जैसे कि भेड़ बकरी और जो कैटल्स होती हैं, जैसे आपकी गायें, ये सब हो गए जिन्हें वो पालतू बनाते थे, और ये लोग जो है विलेजेस में रहते थे, गाँवों में रहा करते थे। इसी तरह गारो हिल्स, गारो की जो पहाड़ियों पर रहने वाले थे, तो अब इसमें देखिए गारो हिल्स बनाई मैंने एक एज्यूम करके, गारो हिल्स इधर क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर गारो हिल्स में रहने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर का विकास किया, जो खेती है उसका विकास करा यहाँ रहने वाले लोगों ने। नॉर्थ ऑफ द विंध्यास राइस वॉज फर्स्ट ग्रो, यहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती शुरू करी किसकी, चावल की। बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से
याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब इसमें जो सिंधु जो नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, हाँ, तो उसमें अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। तो 4700 साल पहले यहाँ पर जो है इस नदी के तट पर आसपास जो जगह है उधर सत आरंभिक जो नगर है वो पनपे, जिसके बारे में आप डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो चैप्टर है उसमें जानेंगे। तो इसमें से आपने एक डायग्राम बनाया, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और फिर अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें पॉइंट याद रखना है, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब गंगा और उसकी जो सहायक नदी है उधर क्या हुआ, सिटीज डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर्स हो, तो नगरों का विकास हुआ वहाँ पर 2500 साल पहले। तो इसका ये चित्र बना लिया, तो मैं अब आराम से आपको सारा दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो वेयर डिड पीपल लिव, अब जैसे हम डायग्राम से देख लेंगे, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर पे रहते थे, नर्मदा रिवर में रहने वाले लोग हंटर गैदरर्स थे जो जो शिकार करके और पेड़ पौधों से जो खाना इकट्ठा करके खाते थे, इस प्रकार उनका जीवन निर्वाह चलता था। वो अपने आस पास की जो फॉरेस्ट है उससे धन संपदा से भली भांति परिचित थे, दे न्यू अबाउट देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड उससे जो कलेक्ट करते थे फ्रूट्स रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उससे अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह फिर आपका आ गया सुलेमान और किरदार हिल्स, उधर रहने वाले देखिए इस डायग्राम में देखिए आराम से पता चल जाएगा, सुलेमान और किरदार हिल्स में रहने वाले लोग ग्रोइंग क्रॉप्स, अब वो जो है फसल उगाते थे और रियरिंग एनिमल्स, अब एनिमल्स को वो पालते थे, उन्होंने इस समय पालना शुरू कर दिया था, मींस कैटल पाल रहे हैं, मतलब अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने वाले ना रहकर अब वो एक जगह बसने वाले लोग बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं तो आरंभिक जो सबसे शुरुआत के लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं, एक जगह रहते हैं उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह के बाद अगली जगह चले जाते हैं, मगर जब 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 मानव ने फसलें उगाना शुरू करा और एनिमल्स को पालना शुरू करा उसके बाद वो बसने लग गए। इस तरह आज धीरे धीरे उस प्रोसेस के बाद इंसान एक जगह बसा। तो उसके बारे में गारो हिल्स, अब गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, तो गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने डेवलपमेंट करा कि इसका एग्रीकल्चर का फसलों का, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले चावल उगाए यहाँ रहने वाले लोग ने। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ जो इसके आसपास जो क्षेत्र है जो नदी के पास वाला क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पहले 4700 साल पहले अर्लीस्ट जो आरंभिक जो नगर थे वो पनपने लग गए थे। तो ये इसके बारे में, तो गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ उसके आसपास सिटीज डेवलप्ड हुई, नगर डेवलप्ड हुए, विकास हुआ उनका। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, याद भी ना करना पड़े, ज़्यादा मुश्किल तरीका भी नहीं है, आराम से समझो, एक दो बार नोट्स पढ़ो, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। Why is South Asia often called a subcontinent? South Asia जो है, दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, कि South Asia देखिए बाकी जो महाद्वीप है उससे भले छोटा है मगर it is very large, मगर ये बहुत बड़ा है, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई सीज हिल्स एंड माउंटेन्स, और ये जो बाकी जो एशिया है उसे समुंदर पहाड़ियों हाँ माउंटेन्स सीज समुंदर ये सब के सहारे वो अपना आपको अलग करता है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाता है, हाँ इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वाई डिट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, अब क्वेश्चन उठता है कि लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में यात्रा क्यों करते थे? उस समय देखोगे आज की तरह कोई बसें नहीं हैं,
कोई हवाई जहाज नहीं है, कोई एरोप्लेन नहीं है, शिप शिप के सहारे जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, कारवाओं के सहारे जा रहे हैं, तो उस समय इन सारी सीज हिल्स और माउंटेन्स को पार करना मुश्किल बहुत बहुत था, खतरनाक भी बहुत था, मगर इम्पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते। अब इसके भी कई कारण हैं, जैसे सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब वो अपने जो लाइवलीहुड है उसकी तलाश करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे कि किस तरह वो जीवन जिए। जैसे मैंने लाइवलीहुड के लिए एक एक ऐसे फनी सा कार्टून सा बना दिया कि जैसे ये खेत है, उसके ऊपर ये हल सा चला रहे हैं, कुछ चला रहा है मान लीजिए। तो इस तरह वो लाइवलीहुड की तलाश के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा, एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब जैसे ही उनके गांव में या कहीं वो जहाँ रह रहे हैं उधर बाढ़ आ जाती है या सूखा हो जाता है, तो इसलिए वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए, जैसे जिस मैंने बनाया एक ऐसे ही डायग्राम, ये घर बह रहा है, इसमें बारिश के कारण तो वहाँ फ्लड्स आ गया, उसके कारण अब वो वहाँ तो रह नहीं सकते, तो वो जगह छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, सम टाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। अब जब ये एक आर्मी जैसा मैंने बना दिया कि अटैक करो और वो अटैक करने जा रहे हैं, सिर्फ आपको डायग्राम को याद करने की ज़रूरत है, आप आराम से लिख सकते हैं। समटाइम्स जो मैन है वो मार्च करते थे आर्मीज में, अब आर्मी में जाते वो दूसरी जगह को जीतने की कोशिश करते, दूसरों की ज़मीन को जीतने की कोशिश करते, इसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्च करते, तो इसलिए वो जाते थे एक उपमहाद्वीप से दूसरे एक महाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चौथा पॉइंट हो गया, मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मर्चेंट्स जो व्यापारी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते अपने कारवाओं के सारे, और जैसे एक झुंड में जा रहे हैं और शिप में जाते महत्वपूर्ण जो है सामान लेकर अपने साथ साथ कि ताकि हम बेच सकें उससे पैसा कमाएं। तो इसलिए वो जाते एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे शिप से जाएंगे वो और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अपने पास जो जो महत्वपूर्ण सामान है वो उस जगह बेच देंगे। फिर पांचवा पॉइंट हो गया, रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। इस तरह जो धार्मिक गुरु होते थे वो एक गांव से दूसरे स्थान, शहरों से दूसरे शहर जाते, फिर वहां रुकते और अपने धर्म का प्रचार करते, इंस्ट्रक्शन देते, लोगों को एडवाइस देते कि इस तरह आपको जीना चाहिए, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाया करते थे। हाँ, जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म में जैसे आप देखिए मॉन्क जो भिक्षु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं अपने धर्म का, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। तो इस तरह हो गया कि लोग किस तरह अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इसका मुझे कोई डायग्राम सूझ ही नहीं रहा था, अगर आप बनाना चाहे तो आप बना दें, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो एक और चीज़ है, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब वो एडवेंचर के लिए जाते, कुछ साहस करें हम अपने जीवन में, इसलिए जाते कि हम अब नए कुछ ढूंढना चाहेंगे, वॉन्टिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, कि अब हम कुछ नई जगहों को ढूंढना चाहते हैं। हाँ, जैसे वास्को डी गामा आया था, उसने ढूंढा था नया प्लेस, इसी तरह अलग अलग लोग आते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ढूंढते नई नई जगहों को, नई नई जगह के बारे में जानते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोग हमसे कैसे अलग हैं। जैसे भारत के लोग अंग्रेज़ों से अलग हैं, बाकी लोग दूसरे लोगों से अलग हैं, तो इस तरह होता है। तो वो भी इन सब को जानने में रुचि रखते थे, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे, जानने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो छह कारण ये हो गए। तो अब मैं आपको वापस से एक बार आसानी से रिवाइज करा देता हूँ ताकि बहुत आसान तरीके से याद हो जाए। जैसे कि आप अपने लाइवलीहुड के लिए जाते, पहला कारण जा रहा है, देखिए लाइवलीहुड के लिए इस डायग्राम में मैंने लाइवलीहुड जैसा एक बना दिया। अगर आप बहुत अच्छा और बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, मगर नोट्स बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम जाए ना, आप नॉर्मल तरीके से बनाइए। जितना आप अच्छे से नोट्स तैयार करते हैं वो आपके दिमाग में लॉन्ग मेमोरी के लिए बैठ जाता है और आप जल्दी भूलते नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि नोट्स अच्छे दिखें, ना कि सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स होंगे
आप सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर आएगा, उसके बाद भूल जाएंगे, या कुछ समय बाद आपकी मेमोरी से वो गायब सा होने लग जाता है। तो आप इसमें कुछ क्रिएटिव करते रहिए। तो सेकंड कारण है एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्राउट्स। अब वो नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, जैसे कुछ प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं, तो तब उन्हें जाना पड़ जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। ऐसे हमारे पास कहीं उदाहरण है, आज भी जब किसी जगह पर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है तो उन लोगों को पलायन करना पड़ता है, अपने एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ जाता है अपना घर बार छोड़कर। तो इसी तरह मैन जाते थे दूसरी जगहों को जीतने के लिए, आर्मी जा रही है कि हम दूसरे स्थानों को जीतें। आज की तरह उस समय लोकतंत्र तो था नहीं कि नहीं, हम कोई कायदे कानून तो है नहीं कि आप सीमा पार नहीं कर सकते, तो वो और बाकी कोई कानून नहीं है ना मतलब। तो ये जाते दूसरी जगह जीतते, राजाओं महाराजाओं जैसा था। तो मार्चेंट्स, अब चौथा पॉइंट है जो मार्चेंट्स हैं, वो आप जो सामान बेचना है वो अपना बेचने के लिए जाते थे। जैसे आज भी आप देखेंगे कि अमेरिका की कई कंपनियां भारत में जींस बेच रही हैं, ये सब बेच रही हैं। आज तो आसान हो गया, मगर उस समय इस तरह नहीं था। वो शिप में जाते थे, कारवांस में जाते थे अपने, उधर जाकर सामान बेचते, दूसरी जगह पैसा इकट्ठा करते। रिलीजियस टीचर से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, एडवाइस देते हैं लोगों को किस तरह उनका जीवन जीना है, इस तरह वो जाते हैं। लोगों में स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होता कि हम कुछ जगहों को ढूंढें, हम कुछ साहस करें अपने जीवन में, बाकी चीज़ों अलग करें, तो इसलिए वो जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डिड ऑल दिस लीड टू। अब इन सब को ये जो सारा प्रभाव पड़ा, ये सब किस ओर ले गया? जैसे ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? देखिए, इनरिच्ड आर कल्चरल ट्रेडिशंस। अब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, उसको इसने बढ़ाया। अब जैसे ये अलग अलग धर्म के लोग जैसे भारत में रहते हैं, उनके बारे में हम उनके धर्म के बारे में जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत होंगे, जब आप उनके उनसे जानते हैं उनके धर्म के बारे में, तो हमारी खुद की संस्कृति एक बढ़ती चली जाती है। हम दूसरों की संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं, हम सब एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, तो इस तरह हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस का विस्तार होता है। तो यही उस समय हो रहा था, हम बाहर के लोगों के जीवन शैली को देख रहे थे, अपना रहे थे। जैसे आज भी देखोगे ये जींस का ट्रेडिशन हमारा नहीं है ना, हम अमेरिका इन सब को देखकर, अंग्रेज़ों को देखकर हम भी पहनने लगे। ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, वैश्वीकरण का युग चल रहा है, तो यही उस समय हो रहा था। अब शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कि किस तरह कार्विंग स्टोन मतलब किस तरह स्टोन जो है उसे अपने अलग अलग शेप दी जाए और उसका यूज़ किया जाए अलग अलग तरीके से, इस तरह की आइडियाज़ एक लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर एक दूसरे को बताए। किस तरह म्यूज़िक में अलग अलग राग आए, कंपोज करा म्यूज़िक, म्यूज़िक में डाइवर्सिटी आई, और इवन कुकिंग फूड, हमने अलग अलग जगहों के फूड जो हैं उन्हें अपनाया कि किस तरह का फूड वो खाते हैं, हमने उनके अपनाया, उन्होंने हमारा अपनाया। तो इन सब चीज़ों का ये प्रभाव पड़ा कि हमारा कल्चरल ट्रेडिशन बढ़ रहा है, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं इन सब से, तो इस सब का प्रभाव ये पड़ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम्स ऑफ द लैंड। तो अब जो जगह है उस भूमि का नाम कैसे पड़ा, जैसे आर कंट्री, अब हमारा देखेंगे हम अपनी कंट्री के लिए दो शब्द यूज़ करते हैं, कौन से, इंडिया और भारत। तो इंडिया और भारत शब्द आया कैसे सबसे पहले, ये क्वेश्चन उठना चाहिए अगर हम पढ़ते हुए को सोचते हैं तो। जैसे इंडिया शब्द जो है कम्स फ्रॉम द इंडस, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब इंडिया जो शब्द है वो आता है हमारा इंडस से, हाँ, जिसे सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, और ईरानियंस एंड ग्रीक्स फेमिलियर विद द इंडस, वो इंडस जो नदी है उससे परिचित थे, तो उसे इन्होंने क्या कहा, हिंडस और इंडस। तो द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, तो उस जगह के ईस्ट में जो रिवर की जो जगह थी उसे क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। हाँ, इसी तरह भारत किसके लिए, भारत का किसके लिए यूज़ किया गया, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद। तो ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग
नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उत्तर और पश्चिम में, उन लोगों के लिए, और जिनका मेंशन है, जिनके बारे में लिख रखा है ऋग्वेदा में, उसे भारत उन लोगों के लिए यूज़ किया गया। हाँ, जिसका बाद में हम कंट्री के लिए यूज़ करने लग गए। तो ऋग्वेदा क्या है? अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। अब चार वेद हैं, देखिए कौन कौन से? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत भाषा में। तो उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, इस तरह अलग अलग वेद हैं, चार वेद हैं। तो इसके बारे में जान लिया हमने। अब चलते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम कैसे हम पास्ट को जान पाते हैं उसके बारे में देखिए। देखो, अब मैंने सबको समराइज कर दिया इस गोले में और इसके बाहर एक जो एक पॉइंट है उसमें, तो आप बहुत आसानी से आराम से याद रख सकते हैं। एक बार पढ़ लें उसके बाद इसे देख लें, तो आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के सारे हम जान पाते हैं, जैसे पंडुलिपि कहते हैं हिंदी में। उसके बाद उसकी सहायता से हम अपने इतिहास का निर्माण कर पाते हैं और अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं कि वो क्या कैसे किस प्रकार का जीवन जीते थे, उन किस प्रकार के आइडियाज़ थे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? जो हाथ से लिखी जाती है। हाँ, और इंस्क्रिप्शंस के की सहायता से हम जान पाते हैं अपने इतिहास को। इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ है? जो ठोस सतहों पर जो है उकेरे गए हैं, हाँ, डिपिक्ट किया गया है जिन्हें। तो इसके बारे में सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर का अभी बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से जान पाए। तो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो जब हम जो ये शेष बाकी जो चीज़ें हैं, रिमेन्स जो रह गया है बिल्डिंग्स के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की बिल्डिंग्स में रहते थे, पेंटिंग्स, हाँ, किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाते थे, और स्कल्पचर जो हैं उनके बारे में, इन सब के बारे में हम जान पाए हैं। इसके अलावा एक्सप्लोर करा, एक्सिबिट करा, हाँ, उत्खनन करा, वहाँ से हमने अलग अलग चीज़ें निकाली, उसकी सहायता से हम जान पाए इस प्रकार के बर्तन में वो खाते थे, इस प्रकार के आभूषण वो पहनते थे, हाँ, वो इस मटेरियल से बने थे। तो इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और अगला पॉइंट है लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। तो अब इतिहासकार जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो बोन्स की तलाश करते हैं, किसकी? एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, जानवर जो हैं, पक्षी हैं, मछली हैं, इन सब की, ताकि पता चल सके किस प्रकार के खाना खाते थे, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इतिहासकार हैं, ये सारे किसकी तलाश करते हैं कि भाई हम बुकें ढूंढ पाएँ, हाँ, उनको ढूंढे, फिर उन्हें पढ़ पाएँ, उनकी जो किस लिपि में लिखते थे, किस लैंग्वेज में लिखते थे, हाँ, जब हम उन्हें पढ़ लेंगे तो हम उनके बारे में बहुत कुछ जान लेंगे, उसके सारे हम इतिहास को जान पाते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो हाथ से लिखी जाती थी, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जो है पाम लीफ पर लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बिर्च। तो जो पेड़ की छाल होती है, जो हिमालय में, विच ग्रोस इन द हिमालयस, ये एक स्पेशल तरह का पेड़ होता है, जिसकी छाल पे जो हम ताड़ पत्र जो हिंदी में कहते हैं, उनसे बिर्च जो पत्ते होते थे या वो छाल से बनते थे, उसके ऊपर ये सब लिखा जाता था हाथ से, इसलिए इसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो किस किस तरह के विषय के बारे में लिखा गया है, तो रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, कि वो कौन कौन से उनके धार्मिक जो विश्वास थे, व्यवहार थे, वो किस प्रकार के धर्म, किस तरह के धर्म में विश्वास करते थे, उस धर्म की शिक्षाएं क्या थी, उसका वो पालन कैसे करते थे। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, अब उनकी जो राजा हैं, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जान पाते हैं कि वो किस प्रकार की ज़िंदगी जीते थे। अब आज हम सबको पता है कि जैसे हम राजा के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि जो राजा हैं वो एक आलीशान महल में रहते होंगे, एक राजगद्दी हुई, तो वो कैसे जान पाए हैं? बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, इन सब सारे जो सोर्स हैं उन सब के सारे हमने पता करा हमारे हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो हम जान पाए हैं। अगला है मेडिसिन एंड साइंस। तो उस अब मैन्यूस्क्रिप्ट में पुराने समय में, जैसे हम आज आयुर्वेदा के बारे में जान पा रहे हैं,
कैसे कि वो किस समय कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, किस किस डिजीज में, किस किस बीमारियों में, तो उस विज्ञान, उन साइंस, मेडिसिन, इन सब के बारे में जान पाए हैं मैन्युस्क्रिप्ट से जिसके बारे में वो लिख चुकी हैं। हाँ, तो ये इसके बारे में देख ली। मैन्युस्क्रिप्ट जो है हाथ से लिखी जाती है पाम लीफ पर, या जो बिर्च, जो बार्क ऑफ ए ट्री होता है, छाल होती है जैसे बिर्च कहा जाता है जो हिमालय में उगता है। मैन्युस्क्रिप्ट है वो अलग अलग जो है सब्जेक्ट पे डील करती है, वो तीन सब्जेक्ट थे ये रहे। अब स्टडी इंस्क्रिप्शंस, अब हम स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख हैं, जिन्हें हिंदी में अभिलेख कहते हैं, उन इंस्क्रिप्शंस को, उन अभिलेखों को जब स्टडी कर लेते हैं तो हम उसके सारे बहुत कुछ जान जाते हैं कि उस समय राजा क्या ने जो लिखवाया। क्योंकि अभिलेख नॉर्मली जो देखोगे आप लोग, वो रिच पर्सन लिखवा रहे होंगे, राजा लिखवा रहे होंगे, कभी गरीब अपने बुक के कौन सा लिखवाता है ना, कि ना अभिलेख लिखवाता है ना बुक लिखवाता है। तो फिर भी हम उनके बारे में जान पा रहे हैं अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल कर कर। तो स्टडी इंस्क्रिप्शंस जैसे राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल, तो ये जो है हार्ड सरफेसेस जो है कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, जैसे कि पत्थर हो गया आपका, धातु हो गई। आप कभी जाओगे वो आप देखोगे बहुत से, जब म्यूजियम में जाओगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि किसी पत्थर उसके ऊपर अलग अलग भाषाओं में स्टोन पर और मेटल पर अभिलेख लिखे हुए हैं। अशोक राजा हुआ करता था, उसने अपने अभिलेख लिखवाए थे। कुतुब मीनार पर भी आप देख सकते हो कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं। तो आप अलग अलग के अलग अलग अभिलेखों को देख सकते हैं। तो इसमें किस कौन कौन लिखवाता था, इसमें किस किस के बारे में, अब ये देखिए। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। तो जब राजा अपनी बात कुछ मनवाना चाहता था तो वो पत्थरों पर या किसी पोल पर अपने अभिलेख जो है खुदवा देता था, हाँ इंस्क्रिप्शन को डिपिक्ट करवा देता था ताकि लोग उसे देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें। जब वो चाहता है कि किस मेरे राज्य में इन सब बातों का पालन होना चाहिए, तो वो इन सब बातों को उधर लिखवा देता था ताकि हर किसी के घर तो वो जाएगा नहीं। तो इस तरह आज जैसे आप देख सकते हैं हमारे शहरों में बोर्ड लगे रहते हैं कि आपको इस तरह इस जगह पर जाना है तो सीधा जाइए, तो उस तरह के ही एक रिलेट करके मान लीजिए। और फिर मैन एंड वुमेन जो इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस है, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, अब वो जो भी करती थी या कभी जो भी निर्णय ले रही उसे उन अभिलेखों पर खुदवा देते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन कीप्ड रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अब उन्होंने जैसे राजा है, उन्होंने जो जो अपने युद्ध लड़े उसमें उन्होंने जो जो विजय प्राप्त करी उसके बारे में लिखवा देते ताकि जनता पर उनका इंप्रेशन जमे, लोगों को लगे हमारा किंग तो बहुत पावरफुल है। तो इसलिए वो उसके ऊपर अभिलेख खुदवा देते थे, उनके बारे में लिखवा देते थे। अब तीसरा पॉइंट है स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो स्टडी करना रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स को जो बचे हैं, क्योंकि अब कहीं आज पूरे भी बचे हैं सही सलामत जो है अवस्था में बिल्डिंग, उनसे हमारे हिस्टोरियंस ये सब जान पा रहे हैं कि किस तरह के महल में रहते थे वो, किस से स्टोन से बने थे या पत्थर से बने थे, ईंटों से बने थे या कच्ची ईंटों से बने थे, पक्की ईंटों से बने थे। हाँ, पेंटिंग्स वो किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाते थे उनकी क्या, और मूर्तिकला उनके स्कल्पचर के बारे में जान पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हैं इन सब की सहायता से हम। तो इस तरह हम इतिहास का निर्माण कर पाते हैं इन सब का सहारा लेकर कि स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो हमारे पास बिल्डिंग्स बची हैं उनके सारे पेंटिंग्स के जो रिमेन्स बचे हैं, स्कल्पचर के जो रिमेन्स बचे हैं, एक्सप्लोर एंड एग्जीबिट। अब खोज करते हैं, फिर उसके बाद खुदाई करते हैं, हाँ तो डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब वो बिल्कुल जो हमारी भूमि है, अर्थ है, जो लैंड हो गया, उसके नीचे जो जो चीज़ें दबी रह गई, हाँ उससे वो निकालते हैं उजार, टूल्स, वेपन्स, जो हथियार वो यूज़ करते थे लड़ने के लिए, पॉट्स, जिस प्रकार के पॉट्स मतलब बर्तन, जिस प्रकार के बर्तन में वो खाते थे, पेंस में, हाँ ऑर्नामेंट, जिस प्रकार के आभूषण वो पहनते थे, और कोइंस हो गया,
हाँ जिस प्रकार के सिक्के वो यूज़ करते थे, कुछ सामान लेना है तो सिक्के भी यूज़ करते थे। हाँ इस सब की सहायता से हम जान पा रहे हैं, इन सबको ढूंढते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत समय लगता है, बहुत कठिन होता है, फिर जाकर हम ये सब कुछ जान पाते हैं। तो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। तो इसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये सारे सब देखोगे वो बोन्स ऑफ एनिमल्स हैं। हाँ उन जानवरों की हड्डियाँ हो गई, बर्ड्स की हड्डियाँ हो गई, फिश की हड्डियाँ हो गई, इन सबको ढूंढते हैं टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। वो क्या खाते थे अपने अतीत में, हमारे अतीत में हिस्ट्री में वो क्या खाते होंगे, हाँ हमारे पास्ट में, तो उस सब के सारे हम उनकी खाने की हैबिट्स के बारे में जान पाते हैं। तो देखिए इसमें भी आपके 5 पॉइंट आ गए, आसान है बहुत और रखना भी। तो फिर एक बार इस डायग्राम को देख लेते, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बता दिया, इंस्क्रिप्शन बता दिए, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट, लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। तो आप इस सिर्फ 5 पॉइंट को याद रख लिए, ऐसे गोला आ गया हमारे दिमाग में। जब भी हम फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में क्वेश्चन हो, उसके बारे में आंसर देना हो, तो बहुत आसान हो जाएगा। जब आप ये देख कर पढ़ के फिर आगे स्टार्ट करेंगे, सिर्फ वर्ड्स के सारे आप याद नहीं रख सकते, बड़ी मुश्किल होती है, रटना पड़ता है। तो उसके इसकी जगह डायग्राम बना के यूज़ करिए, जैसे सर्च फॉर एंड रीड बुक्स, उस समय जो बुक के लिखी गई थी उनके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम आज सबको जान पा रहे हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डील किया गया, उस ये हो गया रिलीजियस बिलीफ हो गए, उनकी प्रैक्टिस, कौन कौन से धार्मिक मान्यताएं थी, विश्वास थे, जो लाइफ है किंग्स की उसके बारे में, वो मेडिसिन कौन सी यूज़ करते थे, साइंस उनका विज्ञान किस तरह के विज्ञान में मानते थे, स्टडी इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन के को स्टडी करके उनकी लिपि को जब हम पढ़ लेते हैं, तो उस समय वो क्या क्या जानते थे, क्या क्या खाते पीते रहते, किस तरह उनकी जीवन शैली के बारे में जानते हैं। हाँ तो आज हम आयुर्वेद के बारे में जान पा रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री में उन्हें बहुत ज्ञान था आयुर्वेद का, आज हम जाकर तभी उस आयुर्वेद को फॉलो कर पा रहे हैं। हाँ तो स्टडी द रिमेन, चलिए मैं एक बार इसे भी क्लियर कर दूँ, स्टडी इंस्क्रिप्शन जब वो पढ़ लेते हैं, जैसे राजाओं ने खुदवाए अपनी विक्ट्री के लिए, या कोई ऑर्डर वो फॉलो करवाना चाहते थे, जैसे जब कुछ वो ऑर्डर फॉलो करवाना चाहते थे तो अभिलेख खुदवा देते, जिससे उन्हें वो देख सके, लोग उन्हें पढ़ सकें, उन्हें पालन कर सकें। हाँ तो स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अब स्टडी करते थे कर कर हम जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, किसकी बिल्डिंग्स की, पेंटिंग्स या स्कल्पचर की, कि बिल्डिंग वो किस किस पत्थर से बनी है या ईंटों से बनी है, फिर पेंटिंग्स हो गया, स्कल्पचर हो गए, किस प्रकार की उनकी अलग अलग पेंटिंग्स जो बनाते थे, उन पेंटिंग्स को जान पाए हैं कि उन्हें कितना ज्ञान था, और उनकी मूर्ति कला किस प्रकार की थी। हाँ बहुत सारी चीज़ें हम इनके सारे जान पाए। तो एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट, हम जब आर्कियोलॉजिस्ट खोदते हैं मिट्टी, खुदाई करते हैं, उसमें से जो जो उन्हें मिलता है, जैसे टूल्स, वेपन, पॉट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स, कॉइंस, उनके सहारे वो अलग अलग चीज़ें जान पाते हैं कि वो किस प्रकार के, जैसे खेती में यूज़ करते थे टूल्स, किस प्रकार के वेपन्स यूज़ करते थे लड़ाई करने के लिए, खाना किस प्रकार के किस प्रकार के बर्तन में खाते, तो ये सारी चीज़ें हम, तो फिर अब उनकी हड्डियाँ देख कर कि वो किस जानवरों की जो हड्डियाँ मिली हैं, बर्ड्स की, फिश की, उसके सारे हम जान पाए हैं। हाँ तो अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो देयर वर मैनी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। अब बहुत सारी चीज़ें जो बनाई गई, जो उपयोग में लाई गई अतीत में, पास्ट में, उनको जो स्टडी करते हैं, उनसे जो ज्ञान वो हमें देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स से, उन वस्तुओं से, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्त वो स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो विद्वान जो हैं, सोर्स शब्द का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पंडुलिपियों से, हमारे को जो है हमारे को जो इंफॉर्मेशन मिलती है इंस्क्रिप्शन से मिलती है, आर्कियोलॉजी से मिलती है, जो सारी वस्तुएं बनाई गई उन सब से, तो उन्हें हम सोर्स कहते हैं जिसके सारे हम पूरी हिस्ट्री को जान पाते हैं। तो वन पास्ट और मैनी, अब आप देखेंगे एक पॉइंट है, वन पास्ट और मैनी, पास्ट एक है या ज़्यादा, तो हमारी बुक का टाइटल ही है आर पास्ट। तो पास्ट मतलब अतीत, इसका यूज़ क्यों किया गया, पास्ट मतलब द पास्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब हम सबका पास्ट एक थोड़ी है, हम देखिए हम सबके पास्ट अलग अलग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
The lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. अब जो herders हैं, चारवाहे हैं और किसान हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है किंग्स से और क्वींस से, जो राजा रानी है, हाँ उनसे बिल्कुल अलग है, उनका पास्ट अलग है, इनका पास्ट अलग है, हाँ वो अलग तरीके से जीवन यापन करते थे, वो महल किंग और क्वीन महलों में रह रहे हैं, हर्डर्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, फार्मर्स गरीब भी हैं अमीर भी हैं, तो उनकी ज़िंदगी अलग है। तो लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन, इसी तरह जो हमारे व्यापारी हैं उनकी ज़िंदगी शिल्पकारों से अलग है। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सॉरी ये यहाँ पे कंट्री में वाई आएगा, CONTAR वाई, गलती से डी लिखा गया। तो ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, एस आज भी ये बिल्कुल ट्रू है, सही है, क्यों आज भी सबकी ज़िंदगी अलग है ना। जैसे देखिए, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम, अलग अलग लोग अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करते हैं आज भी हमारी कंट्री में। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, अंडमान आइलैंड में जो रहने वाले लोग हैं गेट देयर ओन फूड बाय, उधर आज भी लोग जो अपना खाना है वो मछली से, मछलियाँ पकड़ कर शिकार करके, बहुत से लोग जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो इस तरह अपना खाना इकट्ठा करते हैं, फिशिंग के सहारे, हंटिंग के सहारे, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर जो पेड़ों से उन्हें मिल गया, कंद मूल फल, ये सब के सारे वो खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं इस तरह। अब आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इन जैसे महानगरों को देखेंगे, लिविंग इन सिटीज, और वो नगरों में रह रहे हैं तो वो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, उनका खाना वो, अब जैसे कच्चा खाना आ रहा है मतलब कच्ची सब्जियाँ तो गाँवों से आ रही हैं, वो सप्लाई करेंगे तब यहाँ का जीवन यापन होता है। हम अब जैसे जो दिल्ली में रहने वाले होंगे वो कोई फॉरेस्ट में जाकर तो इकट्ठा नहीं कर रहे ना कि फिशिंग कर, जैसे हंटिंग कर रहे हैं, शिकार करके वो खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसी के बारे में है। तो मैं एक बार वापस से आपको बता दूँ, वन पास्ट और मैनी, कि पास्ट एक है या ज़्यादा, तो हमारी टाइटल है बुक का शीर्षक है आर पास्ट मर हमारा तीज जो बहुत सारा, जैसे पास्ट सबके लिए अलग अलग है, जो हर्डर्स और फार्मर्स है उनका पास्ट किंग और क्वीन से अलग है, मर्चेंट्स का पास्ट क्राफ्ट पर्सन से अलग है। आज का मैंने एग्जांपल बता दिया, जो अंडमान आइलैंड में जाते हैं उनका पास्ट सिटीज में रहने वाले लोगों से अलग है। तो व्हाट डू डेट्स मीन, अब क्वेश्चन उठता है इन डेट्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं BC AD, उन सब का मतलब क्या है। तो पहले जीसस क्राइस्ट है जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म है उनके फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट, हाँ। तो डेट्स जो हैं हम उन्हीं से, जैसे जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो डेट्स यूज़ करनी है हमारे को, हम उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट BC, और उनके जन्म के बाद की या जन्म से लेकर उसके बाद जो समय चल रहा है उसे AD कहा जाता है, एनो डोमिनी, हाँ। तो जब BC यूज़ करते हैं तो हम उल्टा जाते हैं, और AD यूज़ करते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं, BC यूज़ करते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं, हाँ। कि जैसे 500 ईसा पूर्व, तो मतलब 500 ईसा पूर्व, इसे BC को ईसा पूर्व भी कहते हैं, हाँ। तो मतलब 500 ईसा पूर्व का मतलब हो गया आपके जीसस जो क्राइस्ट है उनसे जन्म से 500 साल पहले, और AD एनो डोमिनी मतलब उनके जन्म से 500 साल ईसवी बोलेंगे, इसे AD ईसवी बोलते हैं। अगर 500 ईसवी कह रहे हैं तो उनके जन्म के 500 साल बाद AD। तो समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। तो CE यूज कर, कई बार आपको बुकों में CE यूज मिलेगा AD की जगह BCE। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कैसे करें, कमेंट बॉक्स का। नाउ आई टेल यू हाउ यू शुड यूज़ द कमेंट बॉक्स टू गो एंड गिव द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, आस्क न्यू क्वेश्चंस, इफ समवन नोस अबाउट इट देन गिव द आंसर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं भी उसका आंसर दूंगा, इस तरह हम कमेंट बॉक्स का भी क्रिएटिव तरीके से यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसका आंसर सबके मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, इससे पहले आप अपना क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लें और कमेंट कर दें।
देखें तो आपको कितना चैप्टर समझ में आया। क्वेश्चन एंड आंसर देखिए। क्वेश्चन वन, द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल आर नोन एज। जो राइटिंग्स है हार्ड सर्फेसिस पर, कठोर सतहों पर, जैसे कि स्टोन हो गए, पत्थर और मेटल धातु, तो उसे क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर या डिस्क्रिप्शंस? तो इसका आंसर बताइए। अगले की तरफ मूव ऑन करते हैं। द लेटर बी सी ई स्टैंड्स फॉर। अब जो बी सी ई है उसका क्या मतलब है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो बिफोर क्राइस्ट एवोल्यूशन, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एवोल्यूशन। तो अब थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। ए अर्ली ह्यूमंस वर इनिशियली हंटर एंड डैश। तो अर्ली जो आरंभिक मानव थे वो कौन थे? शिकारी और बताइए, तो मैंने बताया। तो चौथा क्वेश्चन है, द राइटिंग्स ऑन पाम लीव और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज आर नोन एज। तो ये जो राइटिंग है पाम लीफ पर मिलती है और बार्क ऑफ ए ट्री पर मिलती है, जैसे बिर्च कहा जाता है, जो हिमालय में उगता है, उसे क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसके ऊपर ये इन सब के ऊपर राइटिंग लिखी गई है, हाँ, तो उसे क्या कहा, पाम लीफ पर और बाकी पर, तो इसे क्या कहा जाता है बताइए? मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर, डिस्क्रिप्शंस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन पाँच, प्लेस वेयर द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो इसका आंसर बताइए कि प्लेस ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारे को एविडेंस मिलते हैं हंटर गैदरर्स की इस नोट्स के आधार पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिसके अलग अलग नाम हैं, मगर मैं आपको इस नोट्स के आधार पर पूछना चाहता हूँ, तो इसका बताइए। चलिए अब मैं आंसर बताता हूँ, आप इन सबको आंसर को खुद नोट डाउन करके रख लीजिए, और रियल आंसर जो आपने सही में आपका स्कोर मैं देखना चाहूँगा कितना है, तो अपने आंसर कमेंट करिए, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। फर्स्ट का आंसर है इंस्क्रिप्शंस, और दूसरे का आंसर है बिफोर कॉमन एरा, तीसरे का आंसर है ए अर्ली ह्यूमन वर इनिशियली हंटर एंड गैदरर्स, फोर्थ का आंसर है मैन्यूस्क्रिप्ट, और फिफ्थ का आंसर है बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, जिसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए बैंक ऑफ नर्मदा रिवर हंटर गैदरर्स थे वो। तो चलिए ये होता है हमारा चैप्टर फिनिश। तो अब मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, नाउ डोंट फॉरगेट टू टेल मी हाउ डू यू फील अबाउट द वीडियो। अब इतना पढ़ाया उसके बाद मेरी भी सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ होनी चाहिए, तो वो है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशन कैसे आएगी, इसलिए बेल आइकन भी दबाएं। तो गॉट टू गो, सी यू लेटर, बाय।